हाई गाइज, इट्स मी नाव्या। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आई नो कि मैं दो हफ्ते के लिए मैं कोई वीडियोज़ अपलोड नहीं किया। आई नो शॉर्ट यूट्यूब्स का ही अपलोड किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला था, कुछ दिवालीज वगैरह सब चीज़ें, मेरे एग्जाम्स भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा आज कुछ अलग से वीडियो बनाए, बट या नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगी। सो नाउ मैंने अभी कुछ सोचा है कि कुछ वीडियोस अलग से बनाऊँ। लाइक मैंने सोचा आज कुछ टेबल है तो मैं दिखाती हूँ टेक्स में क्या क्या सामान है जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट का ही है। सो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट टाइम, जैसे कि ये मेरा टेबल है आप देख सकते हो, और यहाँ पे मेरी रजिस्टर, मेरी पाउच, मेरी लैम्प, लैपटॉप, कोस्टर एंड बॉटल, और दीवार पर मैंने बस सजा के रखी है। एक्चुअली ना मेरे एग्जाम्स आ रहे थे तो मैंने सोचा ऐसे सजा के रखती हूँ। ये मेरा डेट शीट है, ये मेरा टाइम टेबल, सिलेबस और ये कैलेंडर, मेरे पेपर 30 को है, और ये शीशा। हेलो, तो बस यही। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा ये कैनवास देखा है तो इज गुड, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन देती हूँ, सो आई एम गो एंड चेक इट। और ये बस वेस्ट हो गया था क्ले से, तो मैंने इसे बना ली। लव योर सेल्फ, खुद का प्यार करो। सो अभी ऊपर चलते हैं। एक्चुअली ये ना मैंने ना समझ लो अगरबत्ती की सजा के रखी है, बट एक्चुअली ना मैं कुछ अलग से बनाना चाहती थी तो ये वेस्ट हो गया है। मतलब कहूँ कि लाइक लैडम ऐसे वैसे बस लैडम, एंड दिस वन इज माई फेवरेट यार। ये डाइस है, मैंने ना अगर आपने ये देखा है तो मैंने शॉर्ट वीडियो उसमें डाला था यूट्यूब पे, तो आप देखिए ये मेरा, मैंने ये बनाया सबसे फर्स्ट टाइम मैंने ये बनाया था। ये थोड़ा सा वेस्ट हो गया, मैंने कहा चौकड़ी में रखती हूँ, मुझे इतना प्यार हो गया ना इससे, मैंने को ये भी बना दी। और साथ ही साथ ये बुक मार्क की है ना, तो मैंने हार्ट शेप बना दी। एंड ये भी मेरा सबसे फेवरेट है, ये मैंने खुद बनाया है, वो भी क्ले ही बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाया। सच्ची कहूँ मुझे इतना प्यार लग रहा है ना, फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने, तो आप भी बना सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना, क्ले की तरह जैसे है ना वैसे उसकी शेप बनानी है, बस और कुछ नहीं। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। ये मेरा बुक्स है स्कूल की, जो भी नोटबुक सब कुछ है। एंड दिस इज माई स्पेक्स, एंड ये मेरा वो है क्या कहते हैं इसको, ईयरपॉड, समझ वैसी। एंड दिस इज माई फेवरेट की चेन, एंड रियली यार मुझे इतना प्यार है ना की चेन से, और वो भी डाइस वाला, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इतना प्यार आ रहा है ना, सिमरन मन कर यार और भी डाइस बना दूँ मैं भी। आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है बस, आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि सामान है इधर, ये कुछ बेसिक है, पेंसिल, कटर, कैंची, ब्लैक पेन, एवरीथिंग इज हियर। दिस इज माय ब्रश, मतलब सारे ब्रशेस है, ग्लू, वार्निश, ये पैटर्न है, ये पानी है, ग्लू, टेप है, ये मुझे ध्यान मिला था, दीदी ने मुझे गिफ्ट दिया था ये, एंड आई रियली लव दिस। एंड दिस वन आल्सो जम्मू में मिला था मुझे, तो आप देख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें रेजर, पेन वगैरह सब चीज़ें हैं। ये वो है ज्योमेट्री बॉक्स, और ये पेन मार्कर्स, एवरीथिंग इज ओवर देयर। सो और ये ऊपर ना मेरा फेवरेट है, ये मैंने एक साल पहले बनाया था, फोकस कर लेती हूँ जैसे कि आप याद है। इतनी सच मीठी है क्या? और ड्रॉअर में देखते हैं क्या है। ड्रॉअर में ज़्यादा कुछ नहीं है, में टेप है, इसमें मतलब इसमें कौन से कलर होते हैं जैसे रेड, कॉपर, जो शाइन कलर के हैं वो हैं। और इसमें बेसिक मैं यूज़ करती नहीं, मेरे को बहुत पसंद है लेना, मैं कभी यूज़ किया नहीं। और इसके अंदर है मेरा फेवरेट मिनी फ्रेम्स, मैं यूज़ करना चाहती हूँ फिर कभी है, अभी तो मुझे कभी टाइम नहीं मिलता। और ये कैनवास, और ये ग्लिटर पेन्स, क्रेयॉन्स, ब्लैक पेन, और मार्कर्स, यहाँ सारे मार्कर्स है, ये मार्कर्स, वो क्या कहते हैं ग्लू स्टिक वगैरह सब चीज़ें हैं, सब बेसिक ही। तो या और दिस यहाँ पे ना
ब्राउन टेप है और स्पॉन्ज है वो आर्ट की सोच रही थी, मैंने कई बार बोल रहा था ये वार्निश टेप एंड दिस ओवर देयर स्टोन्स और यहाँ पे पंचुएशन. सो या बस इतना सही है और अलमारी में बहुत कुछ है. सो आप देख सकते हो इमेज लाइक मी फोकस ऑफ दिस. या सो यहाँ पे बहुत चीजें हैं. यहाँ पे मेरे को मार्कर्स यहाँ पे बहुत सारे डॉम्स और भी बहुत सारे ऐसे कैरमेल सारे पेन ब्रश चाहिए जो कि मैंने अलग से रखे हैं एंड डबल टेप. तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, पतला सा उससे भी मोटा उससे भी मोटा. और हाँ ये मेरा फेवरेट है, ये थंबल का कुछ है मैं यूज किया नहीं है, मेरा फेवरेट है, मैंने कहीं बाद में. तो बस ये सब चीजें ना मुझे यहाँ पे नहीं मिली, मुझे यहाँ पे सिर्फ विलमोर मिली थी ये चीज जो कि वो बहुत पतला सा यू नो ऐसे हाइलाइटर एंड स्टैम्प ऑफ डिजाइन पता नहीं क्या क्या रखा था, कभी कभी मुझे याद ही नहीं आता कुछ. और हाँ नीचे मैंने यहाँ पे सारे पेज रखे हुए पेपर सारे के सारे जो ड्राइंग पैक हो और ब्लू स्टो का वगैरह सब चीजें यहाँ पे भी मैंने सब पुराने पुराने रखे हुए हैं. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर दिस इज बुकमार्क मैंने कलेक्शन किया है एंड मैंने कभी यूज किया नहीं मेरी लाइफ से लेकिन मुझे इतना पसंद है ना इसको ग्रेड करने का. एंड दिस इज द लाइक स्टिकर इसमें बस ग्लिटर है ऑल द कलर्स हाइलाइटर जो कि निकल है ऑन खुजा सिमसिम. ये स्टैम्प ना मैंने लुधियाना से लिया था तो मुझे बहुत पसंद थी. और ये जो है ना हैप्पी ये भी मैंने लुधियाना से लिया था, आप ले सकते हो अगर आप लुधियाना में रहते हो. अच्छा ओहो दिस वन माय बेस्ट फ्रेंड अगर आप देख सकते हो. सो या इधर मेरा मंडाला था. बस यही सब चीजें मैंने यूज किए नहीं कब से, मैं कभी कभी यूज करना चाहती थी लेकिन यूज करना था. एंड वन मोर ओवर देयर ये मेरे अच्छा मेरी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो एकदम से निकाल रही थी ना तो एकदम ये सब गिर गया था. तो ये स्मॉल पॉम्प है हाँ थोड़ी सी है, पहले मैंने बहुत ज्यादा थी ना तो मैंने थोड़ी बस यूज की थी किसी पर वो चीज कम हो गया. एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पहले जितने भी सामान है वो सब वापस रखने के बाद फिर मैं इसका बताऊंगी. तो नेक्स्ट तो ये सब चीजें सामान निकालती हूँ. ये कुछ आई मीन क्या कहते हैं इसको यार पता नहीं आई डोंट नो. दिस वन इज ये मेरे को ना डॉम्स में ऐसे सब चीजें मिक्स मिला तो मैंने स्केच पेन पेंटिंग्स ऑयल कलर्स वैक्स कलर्स सब कुछ रखी. ये कुछ पुराना सा कपड़ा एंड दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट यार मेरे सारे स्टिकर्स यू नो ऑल स्टिकर्स ओवर देयर इनमें से एक है मेरा फेवरेट दैट इज दिस वन. ये मैंने बनाया है स्टिकर और कुछ इस तरह से ध्यान से देखो कि ये तो मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया है स्टिकर और ये रहा ये भी मैंने बनाया है स्टिकर. तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना कमेंट करना एंड शेयर करना. बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को एडिटिंग करने में और साथ ही साथ अगर आप ये जानना है कि कैसे बनाया तो प्लीज डू कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो दैट यू वांट टू नो अबाउट दिस स्टिकर्स क्योंकि मैंने कैसे बनाया. तो बस सारे बेसिक स्टिकर्स थे जो यू नो ऐसे आपको कहीं पर मिल जाता है तो मैंने सारे कलेक्ट किए हुए हैं बिकॉज आई रियली लव दिस टू कलेक्ट दिस ऑल स्टिकर्स. सो या और यहाँ पे एक क्ले है जिससे मैंने आपको वो बताया कि डाइस कैसे बनाते हैं इस क्ले के और ये ऑयल कलर्स और ये कैनवस का पेपर जो इस क्वालिटी का मिलता है
एंड दिस इज द कूलिंग जो मैंने सेकेंड वीडियो में बनाई थी और जिसमें मैंने फ्लावर बनाया था, ये है। बैठ के मैं अभी थक गई हूँ, ऐसे वीडियो इतना सामान रखा है, इसे अच्छा छोटा ही बनाती हूँ मैं। अच्छा टेप लगाया मैंने, ओहो इतनी बुद्धू हूँ मैं। सो या तो देखा होगा आपने, अगर नहीं दिखाया तो मैंने अभी देखती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो भी देखना, वो भी मैं कम आई मीन डिस्क्रिप्शन में दी। तो गाइज अकॉर्डिंग दिस वन वीडियो कि ये मैं बहुत बड़ा था तो मैं फिर कभी बनाऊंगी इसके साथ और साथ इसका भी। इसके अंदर बहुत चीजें हैं जो मेरे बेड के अंदर जो ड्रॉ है, ऑल इज एवरीथिंग इज आर्ट एंड क्राफ्ट, सारे के सारे आर्ट एंड क्राफ्ट है जो बहुत महंगा, आई मीन बहुत टाइम लगेगा इस मुझको बनाने में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं उसके पार्ट टू बनाऊंगी जो कि मेरे बॉक्स और मेरे ड्रॉ में है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो की, तब तक बाय बाय।